एक रूम का फ्लैट जिसमें 5 लोग रहते थे। कमाने वाली सिर्फ एक माँ, पिता की तनख्वाह फिक्स नहीं थी। ये रविंद्र जडेजा का बचपन था। कहते हैं कि जिस पत्थर को छेनी हथौड़ी के मार से दर्द हो वो कभी मूरत नहीं बन सकती, जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकती। रविंद्र जडेजा की जिंदगी में उनके कोच की मार, छेनी हथौड़ी, हल जैसे जरूर थे, मगर ये मार ही उनके लिए आशीर्वाद बने। एक मैच में जब जडेजा ने अपने बॉलिंग में खूब रन लुटाए तब कोच ने उन्हें बीच मैदान पर थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद उस मैच में जडेजा ने 5 विकेट झटके। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है टू गिव यू वैल्यू कंटेंट। रविंद्र अनिरुद्ध सिंह जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के नवगम घेड़ शहर में हुआ। पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड थे और माँ लता जडेजा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक नर्स थी। माँ को एक सरकारी फ्लैट मिली थी जिसके एक कमरे में 5 फैमिली मेंबर रहते थे। बड़ी बहन लता बताती हैं, माँ की तनख्वाह से ही घर चलती थी। पिता को जो मिलता था वो एक बोनस होता था। माँ बहुत मेहनत करती थी। जिस घर में ऐसी सिचुएशन हो वहाँ अगर कोई बच्चा पढ़ाई के अलावा कुछ करने की बात करे तो पेरेंट्स नाराज होते थे। जडेजा के माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे। पिता चाहते थे बेटा आर्मी में जाए, लेकिन जडेजा को क्रिकेट खेलना पसंद था। वो छुप छुप कर क्रिकेट खेलने जाते थे। जब जडेजा की बैटिंग आती थी तो कुछ बदमाश लड़के मैच को वहीं खत्म कर देते थे। रात में जडेजा खूब रोते थे और तो उन्हें नींद में बोलने की भी आदत हो गई थी। पिता अनिरुद्ध जी के दोस्त महेंद्र सिंह चौहान पेशे से एक पुलिस वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र में क्रिकेट खेली थी और वो क्रिकेट बंगलों में यंग क्रिकेटरों को ट्रेन करते थे। जब जडेजा 10 साल के थे तब घर वालों को उनके क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी के बारे में पता चला। पिता ने जडेजा को 2 ऑप्शंस दिए, या तो उनके दोस्त के यहाँ क्रिकेट बंगलों में सेलेक्ट हो या तो आर्मी स्कूल ज्वाइन करो। 2 दिन के ट्रायल्स के बाद फाइनली जडेजा को क्रिकेट बंगलों में एडमिशन मिल गया। कोच महेंद्र जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्हें एकेडमी में इनडिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं था। कोच सबसे ज्यादा फील्डिंग पे फोकस देते थे। क्रिकेट बंगलो एक छोटा सा ग्राउंड था जिसमें जरा भी घास नहीं था, पत्थर जैसा जमीन था जहां पर फील्डर्स डाइव करके फील्डिंग प्रैक्टिस करते थे। जडेजा ने एज अ फास्ट बॉलर शुरू किया, लेकिन हाइट कम होने की वजह से कोच ने उन्हें स्पिन बॉलिंग पे फोकस करने को कहा। एक मैच में जडेजा बहुत महंगे साबित हो रहे थे। कोच ने बीच मैदान पे सबके सामने जडेजा को थप्पड़ जड़ दिया। बाद में उसी मैच में जडेजा ने 5 विकेट झटके। जडेजा अपने गेम के प्रति बहुत मेहनती और ऑनेस्ट थे। फील्ड पे सबसे पहले आते थे और सबसे आखिर में जाते थे। क्लब और लोकल मैचेस में जडेजा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जब न्यूज़पेपर में जडेजा की फोटो आती थी तो फैमिली वाले बहुत खुश होते थे। साल 2005 में जडेजा को इंडिया अंडर 19 टीम में सेलेक्ट किया गया। जनवरी 2006 में जडेजा की माँ का किचन एक्सीडेंट में डेथ हो गया। पूरी फैमिली शॉक में थी। जडेजा पूरी तरह से टूट गए। माँ के गुजर जाने के गम में उन्होंने क्रिकेट को क्विट करने का सोच लिया, लेकिन घर वालों ने उन्हें समझाया। माँ के गुजर जाने के 12 दिन बाद जडेजा को 2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया। जडेजा ने अपनी माँ के लिए क्रिकेट को पूरी जान से खेलने का निश्चय किया। बड़ी बहन नैना ने नर्स की नौकरी ज्वाइन कर ली और घर का खर्चा संभालने लगी। 25 फरवरी 2006 को अपना लिस्टेड डेब्यू किया। देवधर ट्रॉफी के उस मैच में वेस्ट जोन की तरफ से खेलते हुए जडेजा ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया। बल्ले से नाबाद 26 रन बनाए और बॉल से 4.85 की इकोनॉमी से 2 विकेट झटके। उसी साल 19 अक्टूबर को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया। अगले साल 4 अप्रैल 2007 को अपना T20 डेब्यू किया। साल 2008 में उन्हें फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया। इस टूर्नामेंट में वो इंडियन टीम के वाइस कैप्टन भी थे। उस साल इंडिया ने टाइटल जीता। जीत में जडेजा ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 3.14 की किफायती इकोनॉमी से 10 विकेट झटके। 2008-09 रणजी ट्रॉफी में जडेजा का गजब का परफॉर्मेंस था। टूर्नामेंट के 9 मैच के 13 इनिंग्स में उन्होंने 739 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 67.18, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। हाईएस्ट स्कोर 232 रन नॉट आउट। बॉलिंग में उन्होंने 42 विकेट झटके विद एन एवरेज ऑफ 19.92 एन इकोनॉमी ऑफ 2.26, जिसमें 4 पंजा और 1 10 विकेट हॉल था। सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए उन्हें माधव राव सिंधिया अवार्ड से नवाजा गया। उनके इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से 18 जनवरी 2009 को श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई में उन्हें चुना गया। 8 फरवरी 2009 को अपना ओडीआई डेब्यू किया। डेब्यू मैच में उन्होंने 60 रनों की नॉट आउट पारी खेली।
दो दिन बाद 10 फरवरी 2008 को श्रीलंका के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। आईपीएल 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जडेजा को अपनी टीम में शामिल कर लिया। टूर्नामेंट के 14 मैचों में जडेजा ने 135 रन बनाए विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 130। 2009 टी20 वर्ल्ड कप में जडेजा को फैंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया। सुपर 8 के मैच में इंग्लैंड के खिलाफ धोनी ने जडेजा को युवराज और खुद से पहले बैटिंग पे भेजा। जडेजा से रन नहीं बन रहे थे, उन्होंने 35 बॉल पे 25 रन बनाए जिससे बाकी बैट्समैनों पे प्रेशर आ गया और इंडिया 3 रन से वो मैच हार गई। 2010 में उन्हें प्लेयर्स गाइडलाइंस को ब्रीच करने के केस में 1 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया। 2011 वर्ल्ड कप में भी वो टीम में नहीं थे, लेकिन जडेजा अपने गेम पे फोकस कर रहे थे ना कि फेलियर्स पे। डोमेस्टिक मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, साल दर साल उनका परफॉर्मेंस और भी निखरता गया। 2012 आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने जडेजा को अपनी टीम में शामिल कर लिया। जडेजा पहले इंडियन बैट्समैन बने जिन्होंने अपने करियर में 3 ट्रिपल सेंचुरीज मारी। 2012-13 रणजी ट्रॉफी सीजन के 5 मैच के 8 इनिंग्स में 794 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 113.42, हाईएस्ट स्कोर 331 रन अगेंस्ट रेलवेज। इनके इन दमदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंडियन टेस्ट टीम के लिए कॉल आया। 13 दिसंबर 2012 को इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। उस मैच में उन्होंने 3 विकेट झटके। 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में उन्होंने गजब की बॉलिंग की। 4 मैच के 8 इनिंग्स में उन्होंने 24 विकेट्स लिए विथ एन एवरेज ऑफ 17.45 एन इकोनॉमी ऑफ 2.15 जिसमें एक पंजा शामिल था। इस सीरीज में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन माइकल क्लार्क को 5 बार आउट किया और अपना जगह इंडियन टेस्ट टीम में एज एन ऑलराउंडर पक्का कर लिया। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम को टाइटल जितवाने में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। टूर्नामेंट के 5 मैच में उन्होंने 12 विकेट्स लिए विद एन एवरेज ऑफ 12.83 एन इकोनॉमी ऑफ 3.75 जिसमें एक पंजा भी था। इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया। साल 2014 इंग्लैंड दौरे में जडेजा को एंडरसन ने फील्ड पे सिलेक्ट किया और बाद में पवेलियन के रास्ते में जडेजा को धक्का दिया। जडेजा ने अपने बैट से एंडरसन को जवाब दिया। लॉर्ड्स मैच में जडेजा ने एंडरसन के बॉल पे खूब रन मारे। उस मैच में जडेजा ने 57 बॉल्स में 68 रन बनाए और अपना मेडन टेस्ट 50 मारा। उसके बाद ये सेलिब्रेशन तो आपको याद ही होगा। 2015 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें इंडियन ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन रविंद्र जडेजा एक फाइटर हैं। डोमेस्टिक मैचेस में उन्होंने कमबैक किया। 2015-16 रणजी ट्रॉफी के 4 मैच में उन्होंने 215 रन बनाए और बॉलिंग में 38 विकेट झटके जिसमें 6 पंजा और 3 बार 10 विकेट शामिल था। इसके बाद उन्हें इंडियन टीम में शामिल किया गया और अब टीम के वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं। जडेजा ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े। 1 आईसीसी टेस्ट बॉलर भी बने, वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर भी हैं। 2019 में उन्हें अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। सितंबर 2021 आईपीएल में उन्होंने हर्षल पटेल के 1 ओवर में 37 रन मारे और उस मैच के 4 ओवर में 13 रन देके 3 विकेट भी झटके और मैन ऑफ द मैच बने। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लेयर की जिसने अपने बचपन में अपने फैमिली का स्ट्रगल देखा, अपनी माँ को खोया, बहुत सारे फेलियर्स और सेटबैक्स को देखा, लेकिन अपना गोल, अपनी माँ का सपना पूरा किया। तो हम लोग प्रे करते हैं जडेजा यूं ही ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते रहें और ऐसी ही गजब की फील्डिंग करके इंडियन टीम को और आईसीसी ट्रॉफीज जिताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।